सो हेलो वेलकम गाइस टू सीडोम मेनिया। तो गाइस मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई PSP गेम लेकर फॉर एंड्रॉइड डिवाइस। तो गाइस इस गेम का नाम है डेस्पिकेबल मी। ये गेम मिनियंस, आपने मूवी देखी होगी शायद, हॉलीवुड की फेमस मूवी है, कार्टून मूवी मिनियंस पे बेस्ड है। ये गेम थोड़ी सी आपको प्लेटफॉर्म टाइप गेम है, मतलब सुपर मारो, लेकिन उसका 2.5D वर्जन है और ये कभी कभी 3D में भी आप खेल सकते हो इस गेम को। इस गेम के लेवल डिजाइनिंग और ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैं आप लोगों को यही गेम अपने एंड्रॉइड फोन में कैसे स्मूथली, यानी कि अराउंड 30 और 40 FPS कैसे खेल सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन में, अगर आपके पास लो एंड्रॉइड फोन हो तब भी। तो गाइस पूरी वीडियो देखना, कोई भी पार्ट्स या कोई भी स्टेप मिस मत करना, वरना यार आप लोग अनफॉर्चुनेटली ये गेम मिस कर देंगे। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। तो गाइस इस गेम को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि मैंने आगे की वीडियो में बताया है। आगे की वीडियो जो आपने मैंने एंड्रॉइड फोन में रिकॉर्ड की है, वो वीडियो मैंने एक हैंड्स फ्री के माइक से की थी, तो यार मुझे पता नहीं था वो हैंड्स फ्री का माइक बिगड़ा हुआ है, तो वॉइस क्वालिटी सिर्फ इतनी सी खराब आएगी। ओके, सिर्फ इतनी सी, आपको समझ में तो आएगा सब, लेकिन सिर्फ वॉइस क्वालिटी सिर्फ इतनी सी खराब आएगी, तो यार एडजस्ट कर लेना। सो गाइस लेट्स गो। तो गाइस डेस्पिकेबल गेम को अपने एंड्रॉइड फोन में खेलने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन के लिंक पे, जो कि ले जाएगी आपको सीधा मेरी वेबसाइट पे। तो ये रही मेरी वेबसाइट सिडोमिनिया गेमिंग जोन। यहाँ पर आकर आप कोई भी गेम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, फिर यहाँ से आप बैक जाकर कोई भी गेम फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। मैं बहुत सारी गेम अपलोड करता ही रहता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को दो लिंक दिख रही होगी, क्लिक हियर टू डाउनलोड द एमुलेटर और क्लिक हियर टू डाउनलोड द रोम। तो पहले आप एमुलेटर पे क्लिक करोगे तो इसे आपको एमुलेटर की डाउनलोड लिंक पे ले जाएगी। यहाँ से आप इस डाउनलोड बटन को क्लिक करके एमुलेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको रोम फाइल की लिंक यहाँ पर मिलेगी, आप उस पर टैप करोगे तो वो सीधा आपको ले जाएगी रोम फाइल की डाउनलोड लिंक पर, यानी कि ये रही, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके इस रोम फाइल को भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोनों फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद पहले तो आपको एमुलेटर इंस्टॉल करना है। तो मेरे केस में ये गोल्ड है, लेकिन ये गोल्ड और वो सिंपल दोनों एक ही है। अभी आपको जाना पड़ेगा ईएस फाइल एक्सप्लोरर में, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप जेड आर्काइवर भी यूज कर सकते हो। वहां पे आपको अपनी गेम फाइंड करनी है, ये रही। फिर आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू और यहाँ पे करंट पाथ करके इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। ये एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा सा ही टाइम लेगा और इसकी एक्सट्रैक्टिंग भी बिल्कुल मेरे पिछले गेम जैसी ही है, लेकिन इसको भी आपको देखना पड़ेगा कि इसकी प्रॉपर एक्सट्रैक्टिंग कैसे होती है। अब आप जैसे एक्सट्रैक्ट कर लोगे, ये फोल्डर यहाँ आपको अपीयर होगा पहला। अभी आपको इस फोल्डर में जाना है तो आपको बहुत सारी फाइल्स दिखेगी, आपको बस घबराना नहीं है। यहाँ से सेकंड लास्ट जो फाइल दिख रही है आपको, उसको आपको करना है एक्सट्रैक्ट। और आपको कहाँ करना है, आपको यहाँ पे चूज पाथ करना है और जहाँ पे आपने गेम डाली है, जैसे कि आप कहीं पे भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मैं यहाँ पे करूँगा पीएसपी गेम्स में, और यहाँ पे मैं जस्ट इसको एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। ये कुछ ज़्यादा टाइम लेगा, ये फाइल है एग्जैक्ट 300 MB की, यानी कि 299 MB की फाइल है, और इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये हो जाती है 500 MB की फाइल। तो ये हाईली कंप्रेस्ड वर्जन में भी आपको मिलती है ये गेम। तो चलो यार इस एक्सट्रैक्टिंग को भी स्किप करते हैं। तो यहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पे ये फाइल आप देख सकते हैं, इसका आप अगर प्रॉपर्टीज देखें तो ये होती है कुल 495 MB की। तो यहाँ पे फुल फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अभी एक फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे आप ऊपर वाली दो फाइलों को डिलीट भी कर सकते हैं। मेरे केस में मैं इसे फोल्डर डिलीट कर रहा हूँ, ये वाली फाइल रख रहा हूँ, तो मैं ये फोल्डर आप डिलीट कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जाना है अपने एप्लीकेशन में, और अगर आपके पास एप्लीकेशन में अगर आपका लो डिवाइस है तो आप सेटिंग में जाके ये बफर साइज और ये सब सेटिंग आप यूट्यूब से वीडियो देख के सीख सकते हैं कि इसकी सेटिंग लोएस्ट पे कैसे लाएं। अभी मैं ये सेटिंग अभी बताने जाऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। अभी यहाँ पे आपको अपना फोल्डर फाइंड करना है जहाँ पे आपने गेम रखी, तो यहाँ पे आपको गेम दिख जाएगी, आपको बस इस गेम पे टैप करना है और ये गेम आपकी सक्सेसफुली शुरू हो जाएगी। तो ये गेम है, बहुत अच्छी गेम है ये, तो ये बहुत अच्छी गेम है और इसके FPS भी आपको ग्रेट मिलेंगे अगर आपके पास लो एंड एंड्रॉइड डिवाइस है। अगर आपको ज़्यादा FPS नहीं मिलते हैं तो आप अपनी सेटिंग्स लो करके भी इसके ज़्यादा FPS ले सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। यार अभी वीडियो स्किप करके मत जाना, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी आपके साथ वार्तालाप भी करने वाला हूँ। आप गेम प्ले का भी मजा लीजिए और थोड़ी सी मेरी बातें सुन लीजिए। तो यार अगर आप लोगों को यार वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए हो तो यार लाइक कर दो यार इस वीडियो को, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यार अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो
जस्ट पहले जाके नीचे लाइक कर दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये गेम पसंद आएगी तो यार इस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, कहीं भी फेसबुक व्हाट्सएप कहीं पर भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अगर हाँ, अगर आपको ऐसी ही और गेमिंग की वीडियोस और देखनी है मेरे चैनल पे तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल वाला बटन दिया होगा उसको दबा के आप नीचे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो यार बस हमारे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, मुझसे वेट नहीं होता है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्लेइंग कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी एंड एट द एंड गुड बाय। We'll be right back.